नमस्कार, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। दोस्तों, मौसम बदल रहा है और सर्दियों का आगाज हो चुका है, और इस बीच आप सुन रहे होंगे कि सर्दियों में फ्लू और कोविड-19 का खतरा ज्यादा होगा। वैसे अक्टूबर के लास्ट तक सर्दियां आ जाती है और इसी तरह अप्रैल में गर्मियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर मौसम बदलते कैसे हैं? कभी सर्दी, कभी गर्मी, तो कभी बारिश। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारी पृथ्वी पर ऐसा क्या होता है जिससे कि मौसम बदलते हैं? तो आपको बता दूं कि धरती की धुरी यानी कि अर्थ एक्सिस की वजह से मौसम बदलते हैं। साल भर में धरती के अलग अलग हिस्सों पर सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, मतलब जब उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुका होता है तो नॉर्थ के हिस्से में गर्मी का मौसम होता है, और जब दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल झुकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। वैसे इस बारे में एक धारणा है कि गर्मी का मौसम इसलिए होता है क्योंकि उस समय सूरज से धरती की दूरी कम हो जाती है और सर्दियों के मौसम में ये दूरी बढ़ जाती है। वैसे सुनने में ये कॉन्सेप्ट ठीक लगता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से सर्कल यानी कि गोल नहीं है, ये एक तरफ से थोड़ी चपटी सी है, और साल के कुछ समय में पृथ्वी वाकई सूरज के पास होती है और कुछ समय के लिए सूरज से दूरी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि सूरज और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो अपनी कक्षा में घूमती पृथ्वी के थोड़ा पास या दूर होना बहुत ज्यादा अंतर पैदा नहीं करता, यानी कि इस बात से मौसम के बदलने पर फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी के ऊपर से नीचे तक केंद्र में पृथ्वी की कक्षा एक काल्पनिक पोल की तरह है। इसे ऐसे समझे कि पोल के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है और एक पूरा चक्कर करने पर हमें दिन और रात का समय दिखता है। मौसम इसलिए बदलते हैं क्योंकि कक्षा का ये जो पोल है ये सीधा नहीं रहता है, पर यही थोड़ा इधर उधर झुकता है। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, जब पृथ्वी की उम्र काफी कम थी, माना जाता है कि तब कोई बड़ी भारी चीज पृथ्वी से टकराई थी और इस झटके के कारण अपनी कक्षा में सीधे ऊपर और नीचे रोटेशन के बजाय पृथ्वी थोड़े झुकाव के साथ घूमने लगी। अब ये बड़ी और भारी चीज क्या थी, इसके बारे में वैज्ञानिक और कुछ नहीं जानते। दोस्तों, पृथ्वी का ये जो झुकाव है, इसी की वजह से मौसम में बदलाव होता है, और हर मौसम में सूरज और पृथ्वी के रिश्ते को समझा जाए तो गर्मी का मौसम पृथ्वी के उस हिस्से पर होता है जहाँ पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ रही होती है, और सर्दी वहाँ हो रही होती है जहाँ पर झुकाव की वजह से ये रोशनी एक एंगल के साथ पहुँच रही होती है। साल भर में कभी उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुका होता है तो कभी दक्षिणी ध्रुव। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पृथ्वी पर मौसम क्यों बदलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।